नमस्कार। रोज की तरह जी बिजनेस पर सैमको के द्वारा प्रायोजित सेगमेंट होता है जिसका नाम है मिशन एज द इंडेक्स। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कल के इंडेक्स एसर रहे हैं जो विजय रोटे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर, आपको तो आपके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि कल का वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन इसके बाद भी आपके ट्रेड्स काफी इंटरेस्टिंग है। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि कल विजय साहब ने इंडेक्स को अगर आप देखें तो वॉलेटाइल मार्केट होने के बाद भी करीब 4.95% से आउट परफॉर्म किया। पहला सवाल मेरा सर आपसे यही होगा कि कैसे आपने ये रणनीति बनाई, क्या देखकर आपने ट्रेड किया है? सर गुड आफ्टरनून आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सर सैमको जो चार्ट टूल्स जो प्रोवाइड करता है उसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अनिल सिंघवी सर का जो निफ्टी बैंक निफ्टी पे का डेली रिपोर्ट आता है वो देख के मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। फिर 1 मिनट के चार्ट पे मैं एंट्री लेता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे मैं अपना स्टॉप लॉस ये करता हूँ। मगर जो लेवल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट के जो लेवल मुझे मिलते हैं अनिल सिंघवी सर से उन्हीं से मेरा जो ट्रेड है सेटअप अच्छा बनता है और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। कल भी मैंने वोलेटाइल सेशन था मगर वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंट का मैंने ये लगाया और उसी से मेरा जो ट्रेड बैंक निफ्टी में है तो सक्सेस हुआ और अच्छा गेन हुआ मुझे कल। बढ़िया हुआ। और आपकी स्ट्रैटेजी में भी देख रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर आप बता रहे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करके और हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी साहब की तरफ से जो आपको राय दी जाती है इसका इस्तेमाल करके आप रणनीति बनाते हैं। 15 मिनट के चार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, 5 मिनट के भी करते हैं और 1 मिनट के चार्ट का भी इस्तेमाल करके आपने एंट्री ली। तो कल बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल था, तो इसके बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो है कॉल ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड किया था, अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो सर ये बताइए कि सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं कि निफ्टी में भी ट्रेड होता है आपका? निफ्टी में भी करता हूँ मगर कम करता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। निफ्टी में मेरी पोजिशनल राइटिंग करता हूँ निफ्टी में, तो अभी ये वॉलेटाइल जिसमें मैंने राइटिंग का अभी कुछ ये निफ्टी राइट नहीं किया है कॉल पुट उसके, तो बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ कॉल पुट। बैंक निफ्टी में ऑप्शन के माध्यम से आप रणनीति बनाकर चलते हैं। निफ्टी में अगर आप देखें तो राइटिंग की रणनीति रहती है आपकी। कल के तो ट्रेड्स आपके मैं देख पा रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया दर्शकों को कि 4.95% से जो है इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। आज के लिए कुछ ट्रेड्स लिए आपने अभी तक? हाँ सुबह में लिया था मैंने सर, जो सपोर्ट बताया था अनिल सर ने 43,400 का जो सपोर्ट था उस पे मैंने 43,400 जो बैंक निफ्टी है 43,400 का उसका कॉल लिया था मैंने और कॉल मैंने प्रॉफिट में एग्जिट किया अभी, तो उसमें भी प्रॉफिट हुआ मुझे। यहाँ पर भी प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक और बार चीज पूछना चाहूंगा, आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं या फिर अपनी जो पोजीशन है इन्हें कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, होल्ड भी करते हैं? अगर राइट तो किया है मैंने निफ्टी में, अगर मैंने पुट कॉल राइट किया है तो फिर मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। अगर बाइंग में रहा, अगर कॉल पुट के बाइंग में रहा तो फिर मैं इंट्राडे काटता हूँ उसको। स्टॉक फ्यूचर में स्टॉक ऑप्शन में मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस में आपकी पोजिशनल रणनीति होती है, लेकिन इंडेक्स पर कोशिश आपकी यही रहती है कि इंट्राडे में ही आपकी यहाँ पर जो रणनीति है वो बन जाए, बेहतरीन रणनीति। इसके अलावा मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहा हूँ कि आप कुछ कैश मार्केट के जो छोटे स्टॉक्स हैं इनमें भी कारोबार करते हैं, यहाँ पर क्या रणनीति होती है आपकी? सर वही स्ट्रेटजी वही है, 15 मिनट के जो चार्ट पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढता हूँ और उसी के जरा वेट करके उसी के लेवल के आसपास मैं कॉल नहीं तो पुट बाय करता हूँ, नहीं तो फिर फ्यूचर में पोजीशन बनाता हूँ। और वो बनाने के पहले 1 मिनट के चार्ट पे मैं वो प्राइस एक्शन देखता हूँ और उसी हिसाब से मैं पोजीशन लेता हूँ। प्राइस एक्शन अगर थोड़ा सा सपोर्ट के पास आता है तो बाइंग की, और रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस एक्शन निगेटिव अगर कैंडल मिला तो फिर सेल भी करता हूँ फिर। अच्छा तो इन टूल्स का इस्तेमाल जो आपकी रणनीति है करके आप कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी क्या सिर्फ इंट्राडे पोजीशंस रखते हैं या फिर पोजीशनल आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं? हाँ कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, प्रॉफिट में रहा तो कैरी फॉरवर्ड रहती है पोजीशन, अगर लॉस अगर थोड़ा भी रहा
तो मैं काट देता हूँ, लास्ट पोजीशन में लेके नहीं जाता हूँ दूसरे दिन। चलिए बढ़िया रणनीति है कि पोजीशंस मुनाफे में होती है तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हो रहा है नुकसान तो वहीं के वहीं छोटे नुकसान के साथ ही आप एग्जिट कर लेते हैं। और शायद इसी के कारण अगर आप देखें तो आप इंडेक्स एसर बने बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस के साथ। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। और इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।